फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आटा चक्की मिल को सोलर पर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पूरे इंस्टॉलेशन वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि इसकी बेसिक जानकारी जानना चाहते तो हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं इसके क्या फायदे हैं, क्या इस पर प्राइस होगा, क्या इस पर लोन मिलेगा या नहीं, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। इसके लिए आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, जहां चुनार एक जगह है जहां पर यह आटा चक्की मिल पर सोलर लगाया जा रहा है। यदि हम बात करें यहां की जरूरत की, तो यहां पर बढ़ती डीजल कीमत और डेली के डीजल लाने और इंजन स्टार्ट करने की टेंशन ने सोलर पर आने पर मजबूर हो गए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से उपकरण लगने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी मोटर यहाँ नहीं लगा हुआ है, मोटर और सोलर दोनों साथ में यहाँ पर इंस्टॉल होगा। यहाँ पर मोटर की रिकमेंडेशन जरूरत के अनुसार 7.5 HP का मोटर सजेस्ट किया गया है, उसके लिए सोलर सिस्टम डिसाइड किया गया है। तो सोलर सिस्टम इसके लिए जितना HP का मोटर होगा उसका 1.5 गुना से लेकर 2 गुना सोलर पैनल की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर मोटर 7.5 HP का है, तो यहाँ पर सोलर सिस्टम जो लगेगा लगभग 14 से 15 kW का सोलर पैनल यहाँ पर लगेगा। इसी के साथ इसके दूसरे उपकरण की हम बात करें, तो यहाँ पर दूसरे उपकरण सोलर पैनल स्टैंड, VFD, सोलर वायर, DC/DC, अर्थिंग किट और छोटे छोटे इंस्टॉलेशन किट यहाँ पर लगाया जाएगा। यह सोलर प्लांट लगभग 15 किलोवाट का प्लांट है, तो इसको लगाने का टाइम कम से कम 1 वीक का लगा है। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को लास्ट तक देखे। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आपको पता है, तो यहाँ पर चैप्टर वाइज दिख रहा होगा, वहां से आप क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को 5 चैप्टर में रखा गया है। नंबर 1 पैनल स्टैंड इंस्टॉलेशन, 2 सोलर पैनल माउंटिंग, 3 अर्थिंग किट, सोलर वायरिंग एंड 5 टेस्टिंग। सबसे पहले यहां पर हो रहा है सोलर पैनल स्टैंड का इंस्टॉलेशन, तो हमारी टीम ये साइट पर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सोलर पैनल इंस्टॉल करने से पहले साइट सर्वे, साइट की पूरा एनालिसिस किया जाता है कि कहां पर लगेगा, कहां पर पूरा सनलाइट आएगा, कितना एरिया की जरूरत होगी, क्या यहां पर सेट हो पाएगा या नहीं। तो इस पूरी मेजरमेंट करने के बाद ये यहां पर टीम पर्लिन से आइडिया लगा रहे हैं कि कितने कहां कहां पर सोलर पैनल स्टैंड लग सकता है। जब कस्टमर और सोलर इंस्टॉलर के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि आपका सोलर पैनल लगने के बाद ऐसा दिखेगा, यहां पर आप सोलर पैनल के वॉकिंग एरिया होगा जहां से आप सफाई कर सकते हैं, उसके बाद इसका पूरा डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। अब होता है इसको सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर टाइट करने। जब कस्टमर से फाइनल कंफर्मेशन मिल जाता है कि ठीक है, ओके, दिस डिजाइन इज ओके, सो अब नेक्स्ट स्टार्टिंग काम शुरू होता है। कई मैन पावर यहां पर रहते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो यहां पर अभी बेस प्लेट को लेग्स के साथ टाइट करना, तो यहां पर नट बोल्ट की माध्यम से 1 by 1 इसको टाइट करेंगे। ये पूरे टाइट करना, ये सब करने में लगभग 2 या 3 घंटे की काम होती है, जो बारीकी से इसको टाइट किया जाता है। यहां पर जब हम चैनल को नाप रहे हैं, तो रूफटॉप एरिया कम पड़ रहा है, जिसको बगल में जो खेत है वहां पर 3 फीट लेफ्ट और 3 फीट राइट बाहर निकल रहा है। तो यहां पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। शहरी क्षेत्रों में दिक्कत होता है कि आप इस एरिया में नहीं निकाल सकते हैं, इस एरिया में नहीं निकाल सकते हैं, तो यहां पर ग्रामीण इलाका है, तो यहां पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पैनल इधर और एक पैनल इधर लग जाएगा। अब बेसिक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक एक स्टैंड को खड़ा करके मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए हमारे पास है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन से मार्क करके फिर फास्टनर को ठोक देंगे हैमर की मदद से और उसको टाइट कर देंगे। फ्रेंड्स, पैनल स्टैंड को इंस्टॉल करने में पहला दिन चला गया था, रात हो गई थी, रात में भी लाइट जला के काम हो रहा था। अब उसको जब काम कंप्लीट हो गया पैनल स्टैंड का, तो उसको सिविल वर्क, तो यहां पर देखिए सिविल वर्क का इंपॉर्टेंस ये है कि तेज आंधी, तेज हवा, ये सब जब चलता है तो उसको प्रोटेक्ट रखे। तो
आगे का लेग 1 फीट के रेडियस में बनाया गया है और बैक लेग को 1.5 फीट के चौड़ाई में रखा गया है। तो इसको 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दिया गया कि ये प्रॉपर सूख जाएगा, उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अब 2 दिन के बाद हम यहाँ साइट पर फिर से आए हैं। अब देख रहे हैं कि हमारा सोलर पैनल स्टैंड लगने के बाद दिन में ऐसा दिख रहा है, प्रॉपर एनालिसिस कर लिए हैं। यहाँ पर एक सोलर पैनल हम अभी चढ़ाए हैं, इसे हम चेक कर रहे हैं कि क्या माउंटिंग होल और पैनल स्टैंड पर सेट हो पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर सब कुछ ओके है। अब बारी आती है सोलर पैनल को बारी बारी से ऊपर चढ़ाने का। तो सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पर जो सोलर पैनल लगाया गया है वह सार्क सोलर पैनल लगाया गया है, जो दुनिया का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, जिसकी इफिशियंसी की हम बात करें तो 22% इसकी इफिशियंसी है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हाफ कट टेक्नोलॉजी है, 9 बजवार में यह सोलर पैनल अवेलेबल है। यहाँ पर सोलर पैनल 32 सोलर पैनल लगाया जाएगा, तो 1x1 हम उसको ऊपर चढ़ाएंगे। यहाँ पर चढ़ाने के लिए कुछ ऐसा सुविधा नहीं है, तो इसको चौकी की मदद से 1-2 आदमी नीचे 1 आदमी ऊपर रहेंगे, उसको हम 1x1 चढ़ाएंगे। यदि हम बात करें इसकी वेट की, तो इसका वेट लगभग 25 kg का है। और इसकी बात करें साइज की, तो आपके घर के एक सिंगल बेड के बराबर इसका साइज होता है। तो इसको हम इजिली 2 आदमी इसको नीचे ऊपर पकड़ के उसको ऊपर चढ़ा देंगे। यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान ये रखा गया है कि सोलर पैनल में के फ्रेम में किसी टाइप का स्क्रेच नहीं आए, तो पैनल के जो पैकेजिंग होता है उसको दीवार पर रख दिया गया है, जिससे खींचने में आसानी हो। यहाँ पर एक चीज और हमें बहुत बढ़िया लगा कि जो सोलर पैनल में जो फ्रेम है, फ्रेम के बगल साइड में एक रबर लगाया हुआ है। जब भी हम इसको ऊपर खींच रहे हैं तो इसमें किसी टाइप का, मतलब हाथ में एक चुभन सी जो होती है नॉर्मल सोलर पैनल में, ऐसा नहीं है। ये काफी आसान लगा, क्योंकि कई सोलर पैनल में खींचने में हाथ में चुभता है, मतलब निशान पड़ जाता है। तो यहाँ पर अब 1x1 सभी सोलर पैनल को हम ऊपर चढ़ा लिए हैं, तो अब सेफली के साथ ऊपर चढ़ गया है। अब 1x1 पैनल स्टैंड के ऊपर इसको माउंट करेंगे। माउंट करने के लिए 1 आदमी आगे 1 आदमी पीछे और साइड में खड़ा होकर इसको पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सोलर पैनल को पैनल स्टैंड से एंड क्लैंप की मदद से इसको हम टाइट करेंगे। इसको LN की रहता है, उसको हम इससे टाइट करेंगे। अब हमारा दूसरा ही स्टेप कि जो सोलर पैनल स्टैंड पर टाइट हो चुका है प्रॉपर, अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब हम करेंगे अर्थिंग। अर्थिंग करने के लिए यहाँ पर 3 अर्थिंग रिक्वायर्ड है। एक अर्थिंग LA के लिए, दूसरा अर्थिंग DC/DV के लिए और तीसरा अर्थिंग VFD के लिए। तो यहाँ पर अर्थिंग की टीम वो अर्थिंग कर रहे हैं। यहाँ पर 3 मीटर का अर्थिंग रॉड लगाया हुआ है और उसके साथ 16 square mm का DC वायर इसके साथ लगाया जाएगा। यदि आप अर्थिंग के बारे में कुछ डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि अर्थिंग हर साइट का अलग अलग होता है, ऑन ग्रिड में अलग, ऑफ ग्रिड में अलग, यहाँ पर अलग लग रहा है, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं कि आप किस सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं। यह एक सेफ्टी मेजरमेंट कंपोनेंट होता है कि हर साइट में प्रॉपर अर्थिंग होना बहुत ही जरूरी है। अब हम करेंगे वायरिंग। वायरिंग सबसे क्रिटिकल होता है, सेफ्टी के साथ किया जाता है, अदरवाइज अप्लायंसेस खराब हो सकता है या जो एक्सपेक्टेशन है लगाने का वो फुलफिल नहीं होगा, ऐसे कई केस देखा जा चुका है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, VFD के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोलर पैनल की सीरीज कनेक्शन बनती है। तो यहाँ पर सार्क सोलर पैनल की VOC की बात करें तो लगभग 45 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट की होती है, और एम्पियर की हम बात करें तो 10 एम्पियर से लेकर 13 एम्पियर की होती है। यहाँ पर जो BFD है 20 HP का BFD है। यदि हम इसकी इनपुट वोल्टेज रेंज की बात करें तो 650 से लेकर 850 तक की वोल्टेज रेंज जाता है, तो इसके बीच में हमें वोल्टेज रेंज रखना रहता है। यहाँ पर 16 सोलर पैनल को 2 रो में बनाया गया है, जिससे इसकी वोल्टेज मैच हो पाए। यहाँ पर सार्क सोलर पैनल में IP68 MC4 कनेक्टर लगाया हुआ है, जिसको एक पैनल को दूसरे पैनल से कनेक्ट करने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, और हर पैनल के साथ 1-1 मीटर का 4 square mm का DC वायर लगाया हुआ है।
इसको कम टाइम में 16 सोलर पैनल को सीरीज कनेक्शन बना दिए हैं और दूसरे रो को भी 16 सोलर पैनल को सीरीज कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम बात करें एक रो और दूसरे रो का डिस्टेंस की, तो यहाँ पर लगभग 5 से 6 फीट का डिस्टेंस रखा गया है कि जब भी पहले रो का शैडो दूसरे रो के सोलर पैनल पर ना पड़े, इस चीज का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। और ये चीज जब रूफटॉप एरिया जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी समय आपको ध्यान देने की वाली बात होगी कि इसका साइडो इस पर ना आए, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किस टाइप की स्ट्रक्चर हम लगाएंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पर जरूरत पड़ती है सही वायर का सिलेक्शन का, तो यहाँ पर सोलर पैनल की वायरिंग के लिए यहाँ पर 4 स्क्वायर mm की डीसी वायर लगाया हुआ है एक रो के लिए और दूसरे रो के लिए भी 4 स्क्वायर mm की डीसी वायर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर 2+ 2- दोनों दो दो रो का नीचे ग्राउंड पर आ चुका है। अब MC4 कनेक्टर को प्रॉपर वायरिंग के लिए केबल टाई का यूज कर रहे हैं, इसको हम प्रॉपर टाइट कर देंगे जिससे इसका लुक एंड फील बेटर लगे। अब हम आ गए हैं नीचे, अब यहाँ पर करेंगे BFD का इंस्टॉलेशन। BFD का इंस्टॉलेशन के लिए दीवार पर हम पहले होल करेंगे, इसको माउंट करेंगे। अब BFD के बगल में ही हम DC-DV लगाएंगे। यहाँ पर DC-DV की बात करें तो 3-in-1-out DC-DV लगाया गया है, जहाँ पर ऊपर से आने वाले वायर को 2+ 2- 2 इनपुट 2 आउटपुट में लगा दिया जाएगा। अब DC-DV के आउटपुट को BFD के इनपुट में कनेक्ट कर दिया गया है और BFD के आउटपुट को एक मोटर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया है। वायरिंग कनेक्शन को समझने के लिए आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझा दिए हैं कि जो आप इस तरीके से यहां पर वायरिंग कनेक्शन किया गया है। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछें, हम जरूर जवाब देंगे। इसी के साथ ही यहां से जो अर्थिंग की वायर है अर्थिंग रॉड से कनेक्ट कर देंगे। अब फाइनली हमारा पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको कर रहे हैं टेस्ट। तो टेस्ट करने के बाद सबसे पहले सबका MCB ऑन करेंगे, MCB ऑन करने के बाद BFD का आउटपुट ऑन करेंगे, उसके बाद मोटर हो गया स्टार्ट। अब इस मोटर पर यहाँ के पूरे आटा चक्की मिल चल रहा है। अब हम जानते हैं कस्टमर से कि कस्टमर को क्या फायदा मिल रहा है। मैं विवेक कुमार सिंह, लूम सोलर, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से 14 किलोवाट का आटा चक्की पर सेटअप लगाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग कन्मो यहाँ के ऑनर से आपका परिचय कराना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा नाम राजेश कुमार सिंह, ग्राम सभा उल्लोपुर, लरआट, चुनार, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। सर आप कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाए हैं अपने कहाँ? सर मैंने लूम सोलर कंपनी का 4 पैनल हाफ कट सेल 440 वाट का 14 किलो 80 वाट लगाया हूँ। सर इसके सोलर सिस्टम लगवाने के क्या क्या फायदे आपको समझ में आ रहा है अब? सर फायदे तो बहुत से हैं, जैसे कि पहले हर मंथली में 20 से 25 हज़ार रुपये का डीजल ला के जो है चलाता था, अब जो है पूरा 20-25 हज़ार वो डीजल का मेरा बच रहा है। और प्लस पहले से अब लोग ये सोलर पैनल लगाने से जो है पहले से गल्ला भी बढ़ गया है, पहले 5 क्विंटल आता था, अब जो है कि दूना हो गया है, 8 से 10 क्विंटल आता है। डेली का जो है 1500 से 2000 रुपये का कमाई हो जाता है। और प्लस कस्टमर को भी पहले से बहुत फायदे हो रहे हैं, जैसे पहले 3 रुपये किलो जो है इंजन चला कर पीसते थे, अब सोलर पैनल लगाने के बाद 1.60 रुपये किलो जो है पिसाई करते हैं। कस्टमर लोग का भी जो है आधा पैसा बच जाता है, हम लोग को भी जो है डीजल उजल नहीं लाना पड़ता है और पहले से जो है बहुत फायदा। सर मेरे प्रोडक्ट लूम सोलर के बारे में और मेरे वर्क के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? सर मैं ये लूम सोलर को का पैनल लगाकर सर मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर, और हमारे आसपास में भी जो है कई कंपनी का पैनल लगा है, जो कि वो ब्लू पैनल है, नीना पैनल है, वहाँ पर जाकर मैंने देखा तो क्लाउड वेटर में नहीं चलता है, लेकिन ये मेरा 440 वाट हाफ कट सेल ये क्लाउड वेटर में भी जो काम करता है, डबल मशीन ना चले लेकिन सिंगल चलता है, स्पेलर या तो आटा चक्की एक सिंगल चलता है हमेशा, चाहे क्लाउड रहे कितनों मतलब कम से कम में भी चलता है। सर 14 किलोवाट लगाने पर आप कहाँ कौन कौन सी मशीन और कितने HP का मोटर लगा के चला रहे हैं?
सर अभी तो इस समय 10 HP का मोटर लगा है और मौसम सही रहने पे 10 HP की मोटर से लगभग हमारे यहाँ 3 मशीनें हैं, एक 6 वोल्ट की स्पेलर है और एक 18 इंच की खड़ी चक्की है और एक मसाला वाली चक्की है 14 इंच की छोटी। मौसम अगर सही रहता है तो तीनों एक साथ चल जाता है और मौसम गड़बड़ रहने के मतलब मौसम जब गड़बड़ रहता है जैसे मौसम डाउन हो गया तो सिंगल चलाते हैं स्पेलर, जैसे स्पेलर चलाते हैं एक छोटी वाली चक्की चलाते हैं, या तो स्पेलर नहीं चलाएंगे तो खड़ी चक्की बड़ी वाली और प्लस छोटी छोटी चक्की जो मसाला वाली है उसको। सर आप कहाँ कौन कौन सी मशीन चल रही है इस समय, चलिए आप उसे दिखाइए। अभी इस समय तो तीनों मशीनें साथ में चल रही हैं, चलिए नीचे हम आपको दिखा देते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि आपकी इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका जवाब देंगे। और यदि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, सोलर डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अपने एरिया में इस टाइप की स्कोप देख रहे हैं, क्योंकि आटा चक्की मिल हर एरिया में 4-5 रहता है लेकिन जरूरत सभी का अलग अलग होता है, कहीं पर जनरेटर से चला रहे हैं, कहीं पर इलेक्ट्रिक से चला रहे हैं, तो आपको वो देखना है कि उनकी जरूरत क्या है और वहां पर स्कोप क्या है। और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे बात करने के लिए आपको विजिट करें www.plumsro.com।